करने जा रहे हैं, हुकूमत सिंध की जानिब से कोई तआवुन नहीं किया जा रहा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से कराची के 6 अजला में सफाई मुहिम का आगाज कर दिया गया। कराची के डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में MQM के नामजद मेयर कराची वसीम अख्तर ने सफाई मुहिम का इफ्तिताह किया और सड़क पर झाड़ू लगाई। इस सफाई मुहिम के दौरान कचरा कुंडियों से तमाम कचरा हटाने के साथ साथ शहर की दीवारों पर चौकिंग को साफ करने के लिए चूना भी किया जाएगा। इस मौके पर वसीम अख्तर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज 7.5 साल पुराने कचरे को साफ करने जा रहे हैं। इनकी कोशिश है कि ये कराची शहर साफ न हो। अगर ऐसा होता तो 7.5 सालों में ये जो आज उठे हैं, वजीर साहब भी बयान दे रहे हैं, हर तरफ से बयान आ रहे हैं, तो 7.5 साल क्यों नहीं बयान दिए? 7.5 साल काम क्यों नहीं किया? वो गाड़ियों की तरफ क्यों नहीं तवज्जो दी जो जिनके टायर फ्लैट हुए हैं वहाँ सिविक सेंटर में खड़ी हैं? उन्होंने शिकवा किया कि हुकूमत सिंध की जानिब से हमारे साथ कोई तआवुन नहीं किया जा रहा है और हमें मशीनरी तक नहीं दी गयी। DG रेंजर्स मिस्टर बिलाल अकबर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा के हमारी मदद करें। हम सब इलेक्टेड लोग हैं, चेयरमैन वाइस चेयरमैन यहाँ खड़े हुए हैं, MNAs MPs खड़े हैं। हम कराची साफ करना चाहते हैं, जैसे आप कराची में अमन कायम कर रहे हो, इस तरह हम कराची को साफ करना चाहते हैं। हमारे पास ये इख्तियारात हैं क्योंकि हम इलेक्ट होके आए हैं। तो DG रेंजर साहब, बिलाल अकबर साहब, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे टीम की मदद करें कराची को साफ करने के लिए। वसीम अख्तर का कहना था कि हमने DG रेंजर से भी मदद मांगी है। इस मौके पर MQM के अरकीने कौमियों सिंध असम्बली समेत मुख्तलिफ सेक्टर से ताल्लुक रखने वाले कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। सफाई मुहिम के दौरान शहरियों से अपील की गई कि वो अपने कचरे को गलियों में डालने के बजाय कूड़ादान में डालें। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से कराची के 6 जिला में आज से सफाई मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। कराची में नामजद मेयर वसीम अख्तर का कहना है कि कराची के कोने कोने को साफ करके कराची के रहने वालों को मुकम्मल तौर पर रिलीफ फराहम किया जाएगा। कैमरामैन राना उबैद के साथ इरफान अब्बासी, मेट्रो।